जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने वाली हूँ वो विषय है कि अगर कोई आपसे दूर चला गया है, या किसी के मन से आप उतर गए हैं, या आपका प्रेम किसी के दिल से खत्म हो गया है, तो क्या आप बिना उसे कुछ खिलाए, बिना कुछ उसे पिलाए, बिना उसके ऊपर आप किसी भी तरह का तिलक लगाए उसे अपने पास वापस बुला सकते हैं? बिना उसकी तस्वीर के क्या आप उसे अपना बना सकते हैं? क्या दूर रहकर भी आप उसको अपने पास लाने के लिए कोई प्रयोग कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, और आज का ये एपिसोड आपके लिए है। लेकिन चूंकि आप इस सारथी परिवार से जुड़े हैं और सारथी परिवार हमेशा आपको एस्ट्रोलॉजी को लेकर, अध्यात्म को लेकर कुछ ना कुछ रोचक जानकारियां देने का कार्य करता रहता है, और चूंकि मैं आपकी सारथी हूँ इसीलिए जीवन को आसान बना देने के लिए आपके साथ हमेशा कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आती रहती हूँ। तो आज आपको ये उपाय बताने से पहले ये बताऊंगी कि आपको अगर बर्थ मार्क है तो इसका क्या मतलब होता है। शरीर के अलग अलग अंगों पर बर्थ मार्क होने से क्या होता है, तो चलें आरंभ करें। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। अगर किसी स्त्री के उल्टे भाग पर, यानी कि शरीर के उल्टे अंग पर किसी भी तरह का बर्थ मार्क है, तो ऐसी स्त्री को अपने जीवन में अपने पिछले जन्म के बहुत सारे रिश्ते प्राप्त होते हैं। भाई, माँ, फादर, नानी, काकी, चाची, पति, सास, कोई ना कोई आपके जीवन का रिश्ता आपके पिछले जन्म के रिश्ते से जरूर जुड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी ना किसी का कर्जा जरूर लेकर आए हैं जिसे आपको इस जीवन में जरूर चुका देना है। अगर किसी स्त्री के राइट साइड में, चाहे पैर पे, चाहे थाई पे, चाहे पेट पे, चाहे सिर पे, कहीं भी अगर आपके राइट साइड में, राइट भाग में बर्थ मार्क है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन के अंदर अपने पिछले जन्म से बहुत सारा पुण्य लेकर आई हैं, और उन पुण्यों को आपको इस जीवन में बहुत सही तरीके से उपयोग करना है। आपके अंदर एक अलग सी हीलिंग पावर है। आपकी बातों से, आपके सहलाने से, आपके हाथ लगाने से, आपके स्पर्श से आप किसी को भी ठीक कर सकती हैं। आपके संपर्क में रहने वाले लोगों को आपसे बहुत राहत मिलेगी। आपका ज्ञान कहीं ना कहीं किसी के मार्गदर्शन में जरूर कार्य आएगा। इसी प्रकार अगर ये बर्थ मार्क लेफ्ट साइड में किसी पुरुष की बॉडी पर है, तो इसका मतलब आप अपने पिछले जन्म के अंदर एक सोल्जर थे, यानी कि आप एक सैनिक थे, और आपने अपने देश को या अपने राज्य को बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए थे। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को सोशल वर्क करने का बहुत मन करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ सामाजिक कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लोगों के साथ तो मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे लोग राजनेता बनना भी चाहते हैं, और ऐसे लोगों को लोगों का प्यार और समर्थन भी बहुत मिलता है। ऐसे लोग अपने घर परिवार से थोड़ा दूर रहते हैं और तभी वो तरक्की कर पाते हैं। अगर पुरुष के सीधे अंग पर, सीधे भाग पर बर्थ मार्क है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति अपनों से धोखा बहुत खाता है। ऐसा व्यक्ति अपने लोगों द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को छलना, धोखा देना बहुत आसान होता है। ऐसा इंसान बाय नेचर बहुत सीधा होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर छल कपट जैसी कोई चीजें नहीं होती। ऐसा व्यक्ति सामाजिक दुनिया से परे होता है। ऐसे इंसान के अंदर सात्विकता बहुत होती है। ऐसा इंसान दिल का बहुत साफ होता है। अगर किसी के हाथ पर किसी तरह का बर्थ मार्क है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पिछले जन्म के अंदर अपनी जिंदगी में बहुत सारे संघर्षों के बाद किसी चीज को प्राप्त करा होता है। इसीलिए इस जीवन के अंदर
उसे 40-45 की एज पर बहुत सारी चीज़ें अचानक से मिलने लग जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके ड्रीम्स पूरे होने लग गए। इसी प्रकार ये दोनों के लिए है, स्त्रियों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। इसी प्रकार स्त्री या पुरुष दोनों में से अगर किसी की पीठ पर कोई बर्थ मार्क होता है तो वो अपने ही कुल के अंदर वापस उत्पन्न होके आता है, यानी कि उस वो पहले भी इसी कुल का भाग रहा होता है, दादा चाचा नाना काका, और उसी घर के अंदर वो अपनों के बीच में वापस रिबर्थ लेकर आता है। क्यों? क्योंकि शायद उस जन्म में उसकी कुछ चीज़ें या उसकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई थी, इसीलिए वो इस जन्म में आकर उन चीज़ों को अपने हाथों से पूरा करता है। ऐसा व्यक्ति जिसके आँखों में बर्थ मार्क होता है, ऐसे व्यक्ति को छल से मारा गया होता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को रात को सोते समय बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं और ऐसा व्यक्ति कई बार रातों को चौंक कर उठ जाता है। जिस व्यक्ति के सिर पर माथे पर अगर कोई बर्थ मार्क है तो ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा होता है और इसीलिए इस जन्म में भी वो अपने दिमाग से अपनी सूझबूझ से बहुत बड़े बड़े कार्य कर पाता है। तो अगर आपको अपना बर्थ मार्क भी पता हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर आपके साथ इस बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँगी। अब आपको बताऊँगी वो चीज़ जो बताने आई हूँ, आज का वो उपाय, जब कोई व्यक्ति आपसे दूर हो, जब कोई आपसे बात करने को तैयार ना हो और आपका दिल उसी के साथ अटका हो, कोई अचानक से आपसे रिश्ता तोड़कर चला गया हो और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये हुआ क्या है, आप किसी रिश्ते के अंदर जुड़े रहना चाहते हो लेकिन सामने वाला उसे तोड़ देना चाहता हो, तो ऐसी कश्मकश में ये कार्य आज आपके लिए है। क्या करना है आपको? आपको किसी भी वार के दिन, कोई भी दिन ले लीजिए, संध्या के वक्त एक सफ़ेद पेपर पे काले पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख लेना है। इस पेपर के ऊपर आपको थोड़ी सी केसर के पत्ते रख लेने हैं और साथ में 2-4 दाने चीनी के रख लेने हैं। इसे आपको अच्छी से फोल्ड कर लेना है। अब आपको गाय का एक उपला लेना है जिसे कि कंडा कहते हैं। अगर कंडा ना मिल पाए तो आप ये कोयले के साथ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा गूगल और लोबान डाल देना है और घी डालकर इसे आपको जला देना है और उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए, और वो अब आपके पास आ रहा है, वो वापस आपके संपर्क में आ रहा है, ऐसा सोचते हुए आपको इस पेपर को जला देना है। आपको ये कार्य एक दिन करना है, हफ्ते में किसी भी दिन कर लीजिए, लेकिन उसके बाद जो ये राख होगी, जब ये पूर्ण तरह से जल जाएगा, इसकी जो राख होगी इसे आपको एक शीशी के अंदर पानी में डालकर किसी भी पेड़ के नीचे जाकर रख आना है। शीशी कांच की होनी चाहिए, करके देखिए छोटा सा उपाय, असर हो और वो व्यक्ति आपको कॉल करे, मैसेज करे और आपके पास लौट कर आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।